नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। सिद्धार्थ शुक्ला ये वो नाम है जो अब भी हमारे जहन के अंदर ज़िंदा है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी हमें लगता है कि अब तक की टीवी इंडस्ट्री की बेस्ट जोड़ी में से एक है। शहनाज को फैंस बहुत प्यार करते थे। जी हाँ, इनकी कई ऐसी वीडियोज़ अब भी वायरल होती हैं। सिद्धार्थ के निधन से पहले आपको बता दें कि 2 सितंबर को उनका निधन हुआ था। उससे पहले शहनाज और सिद्धार्थ बिग बॉस OTT के सेट पर भी गए थे और वहाँ पर करण जौहर से मिले थे। जितने भी बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट्स थे उन सबसे मिले थे और यहाँ पर शहनाज से एक सवाल पूछा गया था कि आपका और सिद्धार्थ का रिश्ता आखिर कैसा है, क्या सिद्धार्थ आपके बॉयफ्रेंड हैं? तो इस पर शहनाज ने कहा था कि ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा। शायद किसी ना किसी की नज़र ही लग गई जो इनका रिश्ता टूट गया, सिद्धार्थ इन्हें छोड़कर चले गए। वहीं इससे पहले डांस दीवाने 3 में भी शहनाज और सिद्धार्थ दोनों साथ में नज़र आए थे और यहाँ पर भी जब माधुरी दीक्षित ने शहनाज से ये सवाल पूछा था कि तुम्हें सिद्धार्थ कैसा लगता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, इस तरह के जवाब हमेशा ही शहनाज देती हुई आई थी। अपने प्यार को हमेशा ही शहनाज ने जताया था, भले ही सिद्धार्थ बोलकर अपने प्यार को नहीं जता पाते थे, इतने फ्री होके वो नहीं बोल पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के थ्रू उन्होंने शहनाज को लेकर अपना प्यार जाहिर ज़रूर किया था। तो जो शहनाज ने ये बातें कही थी कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा, ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो छोड़कर चले जाते हैं, तो निधन से पहले जो उनकी ये वीडियो थी ये वो गई थी बिग बॉस OTT में और काफ़ी सारी बातें उन्होंने सिद्धार्थ को लेकर कही थी, अब वायरल हो रही है और फैंस इसे देखकर ही खुश हो जा रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को देखकर खुश हो जा रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ, इन दोनों को किसी की नज़र लग गई जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। फिलहाल और कैसी वीडियोज़ इनको लेकर वायरल हो रही है और कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे बीच नहीं है। इसके बावजूद उनके फैंस, दोस्त और परिवार के लोगों को इस बात पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एक्टर के निधन से सदमे से उनके खास दोस्त शहनाज कौर गिल को बहुत बड़ा झटका लगा। आप सबको पता है कि शहनाज की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो उनके अंतिम संस्कार के वक्त भी बेहोश हो रही थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि प्यारी सी जोड़ी बिग बॉस OTT में भी नज़र आई थी। इस दौरान शहनाज ने खुलकर अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते और दिल की बात भी की थी। जी हाँ, अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ी थी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल हाल करण जौहर के शो बिग बॉस OTT में भी नज़र आए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कंटेस्टेंट संग बहुत मस्ती की, धमाल मचाया। वहीं शहनाज ने करण जौहर से सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो छोड़कर चले जाते हैं, ये नहीं चलता, लेकिन ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये कभी नहीं टूटेगा। शहनाज किस बात को सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब शहनाज ने इस तरह से अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी और जिस पर सिद्धार्थ शुक्ला का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। आपको बता दें कि इस वीडियो में आप देख सकते होंगे कि जब शहनाज ये बात कह रही थी उस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर उनके फीलिंग्स साफ नज़र आ रहे थे। इस दौरान शहनाज और सिद्धार्थ दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे एक साथ और उस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल आई थी, जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना शहनाज करती है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो को फैंस भी बहुत पसंद कर रहे थे। वहीं इस पर कमेंट कर लिख रहे हैं अब लोग की नज़र लग गई। वहीं एक और यूज़र है, उन्होंने कमेंट करके लिखा कि सिद्धार्थ को नज़र लग गई। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं था जब शहनाज ने सिद्धार्थ को लेकर अपने दिल की बात कही हो। इससे पहले भी वो कई मौक़ों पर सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार और अपने फीलिंग्स को बयां कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब से वो बिग बॉस 13 में दोनों साथ नज़र आए थे और बिग बॉस 13 में इन दोनों की बॉन्डिंग हमने देखी थी कि किस तरीके से शहनाज अपने प्यार का इजहार हमेशा ही सिद्धार्थ के साथ किया करती थी, तो उसी तरह से आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने कभी भी अपने प्यार को
पब्लिकली बयान नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता गया, बिग बॉस 13 से ये लोग बाहर आए, उसके बाद फिर सिडनास को लेकर कई सारी बातें होने लगी, कई बार सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर बातें हुई, तो धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में भी वो फीलिंग्स आई, और जिसको सिद्धार्थ ने खुलकर तो कभी नहीं कहा, जी हाँ, हम कहेंगे कि सिद्धार्थ ने कभी शहनाज को लेकर खुलकर बात नहीं की, लेकिन अपने एक्शन से वो हमेशा दिखाते थे कि वो शहनाज से बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत केयर करते थे। जैसा कि हम सबके सामने ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ और शहनाज शादी के बंधन में दिसंबर के महीने में बंधने वाले थे, वहीं आपको बता दें कि इन दोनों का रिश्ता बहुत अटूट रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। जी हाँ, तो बिग बॉस 13 के बाद शहनाज ने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेट लूज़ किया था, और वो भी सिर्फ सिद्धार्थ के कहने पर। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के लिए ये बड़ी कुर्बानी शहनाज ने दी थी, शहनाज सिद्धार्थ को बहुत मानती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से ही शहनाज ने ये बड़ा कदम उठाया था, और सिद्धार्थ के लिए ही उन्होंने अपना वज़न कम किया था। और जिसके बाद आपको बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज कई सारे म्यूज़िक एल्बम में भी दिखाई दिए थे, कई सारे गाने में भी दोनों साथ दिखाई दिए थे, और इनके हर गाने को फैंस ने उतना ही प्यार दिया जितना पहले बिग बॉस 13 में इन दोनों को प्यार मिल चुका था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है। आज भले ही सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं हर कोई बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, और फैंस भी इन दोनों को परफेक्ट मानते थे। अब जब सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है, तो आपको बता दें कि शहनाज और सिद्धार्थ के फैंस यही चाहते हैं कि शहनाज अब ठीक रहे, जल्द से जल्द वो लोगों का सामना करें, लोगों के सामने आए, फैंस को सामने करें और फैंस से बातें करें। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बॉन्डिंग हमने देखी है, और सिडनाज ये दो नाम मिलकर एक नाम बना है, और इन दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है। अब भले ही सिद्धार्थ नहीं है, लेकिन शहनाज के अंदर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ज़रूर ढूंढा जाएगा। यहाँ तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज कितनी बुरी तरीके से टूट गई हैं, आपने जाना कि शहनाज गिल की ऐसी कई वीडियोस हैं जो अभी हमारे सामने आती हैं, जो वायरल होती हैं, और लोग इन्हें देखकर ही खुश हो जाया करते हैं। सिद्धार्थ के निधन से पहले ही शहनाज ने कहा था कि हम दोनों का जो वो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई और ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।